हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री बाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आप सभी को आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो 5 मिनट के अंदर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हो। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए एक न्यू वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे कि ओपन करने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है skeuidai.gov.in और दोस्तों सर्च करना है। सर्च करने के बाद इस तरह का वेबसाइट का पेज खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक लगाना है, आधार अपडेट पर। उसके बाद दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपको लिंक करना है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर कैप्चा दिया है। जिस तरह कैप्चा दिया है उस तरह बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है, ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ ओटीपी आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आना है, नेम ऑन आधार, ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड पर जो नाम है उस नाम को यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड पर जो नाम है मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों कि इधर आना है, यहाँ पर देखिए स्टेट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके अपने स्टेट का नाम चुनना है, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद स्टेट का नाम चुनने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अपनी सिटी का नाम, उसके बाद आधार सेवा केंद्र का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आधार सेवा केंद्र चुनना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या अपडेट करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो जाता है, जैसे कि नेम, जेंडर, न्यू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो अपने हिसाब से दोस्तों जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर टिक कर देना है। देखिए यहाँ पर टिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करके आप मोबाइल नंबर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों चेंज नहीं करना है तो मोबाइल नंबर को रहने देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाता है, तो अपने हिसाब से डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइम का ऑप्शन आ जाता है, तो टाइम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल भरे हैं वो डिटेल कुछ शो करेगा यहाँ पर, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितना डिटेल भरे हैं वो भी शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल फीस देना होगा 50 रुपया, और दोस्तों ये जो पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ ऑनलाइन पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहले क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आता है, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, तो हम UPI को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मैक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने एक पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर UPI सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास है उसके माध्यम से आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद एक रिसीविंग मिलेगा, उस रिसीविंग को लेकर जो भी आधार सेवा केंद्र बुक किए हैं वहां पर जाना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में 5 मिनट के अंदर लिंक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लिंक करवा सकते हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।